देश भर में एक नया कानून लागू हुआ है जिसके तहत सरकार के पास इतनी ताकत है कि सरकार जब मर्जी चाहे इमरजेंसी लगाकर आपके फोन का इंटरनेट, आपके फोन की मैसेजिंग सर्विसेज पूरे तरीके से बंद कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने एक ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत अगर आपने उन नियमों की उल्लंघना की तो आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर 3 साल आपको सजा काटनी पड़ सकती है सलाखों के पीछे। नया टेलीकॉम एक्ट 2023 सरकार ने लागू किया है जिसके तहत एक आईडी पर, यानी आपकी जो आईडी रहती है, आपकी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर आप 9 से ज़्यादा सिम नहीं रख सकते। अगर आप गलत तरीके से या फिर गलत इससे ज़्यादा सिम निकलवाने की कोशिश करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसे नए टेलीकॉम जो रूल्स हैं वो सरकार ने लागू किए हैं और इसी के साथ साथ पुराने जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के नियम थे वो सारे हटा दिए गए हैं। यानी पहले ये होता था कि अगर आपके फ़ोन पर कोई प्रमोशनल मैसेजेस आना है, अमूमन हमने देखा है बहुत सारे कंपनी से प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, चाहे फिर वो कोई फूड का आउटलेट हो या फिर कोई बैटिंग ऐप हो, कोई लोकल आपका कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, आपके फ़ोन पर भरमार रहती थी ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस की। तो उन मैसेजेस पर भी एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है सरकार ने कि अगर अब आपकी अनुमति होगी, पहले आपको बकायदा एक मैसेज आएगा जो शायद आपसे ये पूछेगा कि क्या आप ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस अपने फोन पर देखना चाहते हैं, अगर हाँ तभी आपको ये प्रमोशनल मैसेज आएंगे, वरना आपके फ़ोन पर ऐसे प्रमोशनल मैसेज आने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक आईडी पर अब 9 से ज़्यादा सिम आप नहीं निकलवा सकते। बहुत बार देखा है हमने कि लोग अक्सर गलत तरीके से सिम निकलवा लेते हैं, गलत मंशा अपने मन में रखते हुए, चाहे फिर वो प्रैंक कॉल किसी को करना हो या ब्लैकमेलिंग करनी हो, इन सभी चीज़ों पर पकड़ बनाए रखने के लिए, इन सभी चीज़ों को अपने अंडर अपने रडार में रखने के लिए शायद इसलिए सरकार ने यह नया कानून लागू किया कि अगर कोई इंसान गलत तरीके से गलत फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सिम निकलवाने की कोशिश करता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर जुर्माना भरने की सूरत हाल में वो नहीं है तो 3 साल उसे सजा भी काटनी पड़ेगी। एक आईडी 9 से ज़्यादा सिम नहीं निकलवा सकते। हालांकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये संख्या कम है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ 6 सिम ही एक आईडी पर निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी राज्यों में इन नंबर ऑफ सिम्स की जो संख्या है इसको 9 रखा गया है सरकार के द्वारा। तो ये नए नियम जो है सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। देश भर में एक नया कानून लागू हुआ है जिसके तहत सरकार के पास इतनी ताकत है कि सरकार जब मर्जी चाहे इमरजेंसी लगाकर आपके फोन का इंटरनेट, आपके फ़ोन की मैसेजिंग सर्विसेज पूरे तरीके से बंद कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने एक ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत अगर आपने उन नियमों की उल्लंघना की तो आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर 3 साल आपको सजा काटनी पड़ सकती है सलाखों के पीछे। नया टेलीकॉम एक्ट 2023 सरकार ने लागू किया है जिसके तहत एक आईडी पर, यानी आपकी जो आईडी रहती है, आपकी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर आप 9 से ज़्यादा सिम नहीं रख सकते। अगर आप गलत तरीके से या फिर गलत इससे ज़्यादा सिम निकलवाने की कोशिश करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसे नए टेलीकॉम जो रूल्स हैं वो सरकार ने लागू किए हैं और इसी के साथ साथ पुराने जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के नियम थे वो सारे हटा दिए गए हैं। यानी पहले ये होता था कि अगर आपके फ़ोन पर कोई प्रमोशनल मैसेजेस आना है, अमूमन हमने देखा है बहुत सारे कंपनी से प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, चाहे फिर वो कोई फूड का आउटलेट हो या फिर कोई बैटिंग ऐप हो, कोई लोकल आपका कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, आपके फ़ोन पर भरमार रहती थी ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस की। तो उन मैसेजेस पर भी एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है सरकार ने कि अगर अब आपकी अनुमति होगी, पहले आपको बकायदा एक मैसेज आएगा जो शायद आपसे ये पूछेगा कि क्या आप ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस अपने फ़ोन पर देखना चाहते हैं, अगर हाँ तभी आपको ये प्रमोशनल मैसेज आएंगे, वरना आपके फ़ोन पर ऐसे प्रमोशनल मैसेज आने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक आईडी पर अब 9 से ज़्यादा सिम आप नहीं निकलवा सकते। बहुत बार देखा है हमने कि लोग अक्सर गलत तरीके से सिम निकलवा लेते हैं, गलत मंशा अपने मन में रखते हुए, चाहे फिर वो प्रैंक कॉल किसी को करना हो या ब्लैकमेलिंग करनी हो, इन सभी चीज़ों पर
पकड़ बनाए रखने के लिए, इन सभी चीजों को अपने अंडर अपने रडार में रखने के लिए शायद इसलिए सरकार ने यह नया कानून लागू किया कि अगर कोई इंसान गलत तरीके से गलत फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सिम निकलवाने की कोशिश करता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर जुर्माना भरने की सूरत हाल में वो नहीं है तो 3 साल उसे सजा भी काटनी पड़ेगी। एक आईडी 9 से ज्यादा सिम नहीं निकलवा सकते। हालांकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये संख्या कम है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ 6 सिम ही एक आईडी पर निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी राज्यों में इन नंबर ऑफ सिम्स की जो संख्या है इसको 9 रखा गया है सरकार के द्वारा। तो ये नए नियम जो है सरकार द्वारा लागू किए गए हैं।